Hello, this is Khushbu with another question of circles. This is question number 14 from exercise 16.5, page 16.85 from R.D. Sharma. This says, in figure 16.186, O is the center of the circle. Circle ka center yahan hai O. CEA, this angle is 30 degree. Find the value of XYZ. XYZ ki aapko values find karni hai. So, sabse pehle, hamare paas, yahan se, एक एंगल ये बन रहा है विच इज 30 और इसी सेगमेंट से एक एंगल बन रहा है हमारे पास ये वाला विच इज z. एंगल सर्कल के अंदर अगर सेम सेगमेंट में एंगल्स बन रहे हैं तो उनकी वैल्यूज इक्वल होती है. दैट मींस अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा. तो यू विल राइट एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो रीजन होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट in the same segment of a circle are equal. So, इसका मतलब कि हमारे पास z equal आ गया 30 degree के. So, z की value आपके पास आ गई 30. Now, हमें पता है जब same arc से center पे कोई angle बनता है तो किसी दूसरे का double होगा. So, if you see, ये वाला center से हमारे को angle दे रहा है y का और यहाँ पर angle बना रहा है z. तो z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 30. तो ये इसका डबल होगा. सो दैट मींस हमारा ये वाला एंगल ए बी ए डी सी हाफ है सेंटर वाले एंगल का बिकॉज सेंटर वाला डबल है खुद. सो इसका हाफ है. इसका रीजन आप लिखेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. So aapke paas yahan se ADC ye hai z is equal to half into angle AOC. Z हमारे पास कितना है 30 degree is equal to half into angle AOC. AOC आपके पास है y. ये 2 को यहाँ ले जाते हैं. 30 degree into 2 is equal to AOC है आपके पास. This is y. So 60 degree is equal to y. आपके पास y की value आ गई है यहाँ से 60. So y is 60 degree. अब हमें चाहिए x. Are you see this A B, C, B. ये है साइक्लिक क्वाड्रेटिक. सर्कल के पॉइंट्स को टच कर रहा है. सो सिंस A, B, C, B इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटिक देयरफॉर साइक्लिक क्वाड्रेटिक है तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. You will write sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Cyclic quadrilateral के अंदर opposite angles का sum होता है 180. So यहाँ पर हमारे पास b है x और d की value हमारी आ चुकी है 30 degree is equal to 180. So x is 180 डिग्री. 30 वहां जाएगा तो सब प्राप्त हो जाएगा. सो x इज 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री. सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 150 डिग्री. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम आर.डी. शर्मा. इन केस आपको कोई डाउट हो प्लीज डू राइट टू अस. जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. बाय बाय.